दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे लेके आ गया हूँ टेनिस रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस। दोस्तों जो पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ ATP टूर्नामेंट में जो फाइनल्स हो रहा है, लास्ट टूर्नामेंट खेले जा रहा है और उसका सेकंड सेमीफाइनल था दोस्तों। और सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन रहा, कैस्पर रेड का वन साइडेड मैच हुआ, जो फेवरेट थे वो कैस्पर रेड वो ही जीते हैं दोस्तों, और प्रदर्शन उन्होंने शानदार किया दोस्तों। इसी रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आया हूँ, ATP रैंकिंग 4 वर्सेज ATP रैंकिंग 7, और ATP 94 ने बाजी मार ली। और जो मैच होने वाला फिनाले में ATP 90 नंबर 4 कैस्पर रेड वर्सेस ATP 90 नंबर 8 नोवाक जोकोविच का मैच होने वाला। अभी तो पोस्ट मैच जाने से लेके आऊँ, प्री मैच भी लेके आऊंगा दोस्तों। पोस्ट में बढ़ने से पहले एक बार बता दूं कि यार जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो ताकि सारी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके दोस्तों। अब बढ़ते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस पे। पहला सेट कमाल का शुरू से ही रहा। शुरू में तो दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया, 1-1 2-2, उसके बाद वन साइड ट्रैफिक हो गया। पहले तो अपनी सर्विस गेम पे होल्डर का सर्विस गेम ब्रेक की, दो बार सर्विस गेम ब्रेक की और पहला सेट जीता 6-2 से। अब सेकंड सेट की बात करें तो सेकंड सेट की शुरुआत और ज्यादा अच्छी हुई। क्यों और ज्यादा अच्छी हुई? इस बार तो सर्विस गेम होल्ड भी नहीं रख पाया रूबलव, और कैस्पर रेड ने आते ही सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्डर का सर्विस गेम ब्रेक की। उसके बाद शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, देते ही फोर लाभ कर दिया था। फिर रूबलव ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, उसके बाद कैस्पर रेड ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा और कैस्पर रेड की एक बार सर्विस गेम ब्रेक भी की। रूबलव ने अब लगा था कि मैच में वापसी करेंगे बट वापसी नहीं कर पाए क्योंकि वो दो ब्रेक डाउन से एक ही बार ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट कर पाए और अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखते रहते 6-4 से सेकंड सेट जीता। पहला सेट जीता 6-2 से, सेकंड सेट जीता 6-4 से। अब वो फिनाले में पहुंच गए हैं। जो कैस्पर रेड का पलड़ा है हमेशा भारी रहा ATP फाइनल्स में और अदर्स मैचेस में रूबलव का पलड़ा भारी रहा। अभी तक दो ही मैचेस जीते हैं कैस्पर रेड ने रूबलव के खिलाफ और दोनों बार ATP फाइनल्स में जीते हैं। शानदार प्रदर्शन किया रूबलव, हर बार अच्छा प्रदर्शन करते हैं बट ATP फाइनल्स में कैस्पर रेड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे और वो चाहेंगे कि यार अगली बार अगर ATP फाइनल्स में कैस्पर रेड दिखे बढ़िया प्रदर्शन करूं, क्योंकि मैं इस बार भी सोचा था, इस बार भी नहीं कर पाया बढ़िया प्रदर्शन, खासकर कैस्पर रेड के खिलाफ जो मुझे लग रहा था बढ़िया प्रदर्शन नहीं हुआ है। दोस्तों क्या लगता है आप कैसा होगा प्रदर्शन फाइनल में? अगर मैच से स्टैट्स को नजर डालें तो हेड टू हेड मैंने जैसे बता ही दिया 5 हो गया रूबलव का और 2 आज दूसरा मैच जीते हैं कैस्पर रेड। और अगर मैच से स्टैट्स को डालें तो एसीज 10-9 लगभग एसीज बराबर ही है, डबल फॉर भी इतने नहीं हुआ, ब्रेक पॉइंट्स कोई ब्रेक पॉइंट कोई भी प्लेयर सेव नहीं कर पाया, एक ब्रेक पॉइंट आया, एक ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट भी हुआ कैस्पर रेड का, दूसरी ओर 4 ब्रेक पॉइंट आए, चारों ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट हुए। शानदार प्रदर्शन किया दोनों प्लेयर्स ने, 0 out of 4 और बढ़िया प्रदर्शन करके मैच खत्म किया कैस्पर रेड ने। अब वो पहुंच गया फिनाले में। दोस्तों क्या लगता है आपको फाइनल में कैसे होगा मैच, क्या प्रदर्शन बढ़िया करेंगे कैस्पर रेड जोकोविच के खिलाफ या जोकोविच प्रिवेल करेंगे? दोस्तों अब अपनी राय दे आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना यार, कमेंट करना, ढेर सारा प्यार देते रहना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।